क्लास, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वन नॉन कॉर्डेटा। क्लास, नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम रिकॉल टेस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़िए विद ऑप्शंस और आपको जो लगता है करेक्ट ऑप्शन है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। क्लास, यहाँ पे हम वीडियो को 3 मिनट के लिए पॉज करेंगे। नाउ क्लास, अभी 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और हैं, इन्हें भी पढ़िए, इनके ऑप्शंस पढ़िए और आपको जो लगता है करेक्ट ऑप्शन है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। और यहाँ पे भी हम वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे। नाउ क्लास, आंसर देखते हैं। आंसर फर्स्ट का है ए, सेकंड का है ए, थर्ड का है ए, फोर्थ का है डी, फिफ्थ का है सी। नाउ क्लास, जो किंगडम एनिमेलिया है उसको 3 तरीकों से डिवाइड किया गया है, नॉन कोडेटा, हेमी कोडेटा एंड कोडेटा। क्लास, जो नॉन कोडेटा है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लाटी हेलमिंथीस, नीमटोडा, एनिलिड, मलस्कस, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा। नाउ क्लास, कॉर्डेट ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन होती है और इनके ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, कॉर्डेटा। क्लास, हमारा पहला फाइलम है पॉरीफेरा और यही हमारा पहला सब टॉपिक है। तो पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, ये प्रिमिटिव होते हैं यानी पुराने होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं यानी इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है, एसिमेट्रिकल होते हैं यानी किसी भी प्लेन में कट करने से 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और सिसाइल होते हैं यानी इमोबाइल होते हैं। क्लास, आपके सामने 2 फोटोज हैं, 2 इमेजेस हैं जो कि पॉरीफेरा की हैं जिन्हें हम स्पॉन्जेस कहते हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्जेस है उनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। आप देख सकते हो स्पॉन्जेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। ये ओस्टिया ओपन होते हैं एक कैविटी में जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये जो स्पॉन्जोसील है ये लाइंड होती है स्पेशलाइज सेल्स है जिन्हें हम कोलार सेल्स या क्वानोसाइट्स कहते हैं। फाइनली ये जो स्पॉन्जोसील है ये ओपन होती है ऑस्क्यूलम में। पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन से जो कि बना होता है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो पॉरीफेरा होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं यानी इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो क्लास, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो स्पॉन्जेस हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन और डेवलप हो जाते हैं एक नए इंडिविजुअल में। मगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं गैमीट, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मेल पॉरीफेरा है लेकिन इसी की बॉडी में प्रोड्यूस होंगे गैमीट्स भी और फर्टिलाइजेशन भी अकर होगा। नाउ क्लास, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा जो कि डेवलप हो जाएगा यंग स्पॉन्ज में और क्लास डेवलप करेगा मेल या फीमेल बॉडी को। नाउ क्लास, ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल्स हैं पॉरीफेरा के यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड साइकॉन।